आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सभी गाइस। सो आज हम आए हैं IBIS होटल हैदराबाद और यहाँ पे हम करने वाले हैं बजट स्टेकेशन। सो अगर आप हैदराबाद आ रहे हो और आपको एक बजट होटल चाहिए है स्टे करने के लिए, देन दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। सो हम आए थे हैदराबाद क्रिसमस के टाइम पे और क्रिसमस के लिए ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन जो है इन्होंने किया है रेस्टोरेंट के अंदर, और हर जगह पे आपको यहाँ पे लाइटिंग दिखेगी। तो इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं रूम टूर, यहाँ का बुफे, यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे, यहाँ की सर्विस, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, और सब कुछ हम इस व्लॉग में कवर करेंगे और देखेंगे कि एक बजट स्टेकेशन के लिए ये होटल परफेक्ट है भी या नहीं। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग गाइस। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है क्रिसमस ट्री, और सेम ये रही लॉबी यहाँ की। यहाँ की लॉबी आप देखिए कितनी स्पेशियस है, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन किया गया है, खूब सारी लाइटिंग है, और ये ऊपर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से जो है इसका इंटीरियर है। सो ऑल द वे ये रही लॉबी, और बाहर भी एक सिटिंग एरिया है जो मैं आपको बताऊंगी सुबह, क्योंकि अभी हो गई है रात और रात में आपको सिटिंग एरिया इतने अच्छे से दिखेगा नहीं। सो बाहर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया है। लेट्स बिगिन विद द रूम टूर। सो ये रहा, एंटर होते ही सबसे पहले हमें तो बाथरूम दिखता है, तो ये रहा रूम का बाथरूम। यहाँ पे सारे बेसिक एमिनिटीज जो थी वो दी हुई थी, और साथ ही साथ जो है ये टाइल्स मुझे बहुत पसंद आई, कलरफुल टाइल्स थी, और बाथरूम काफी नीट एंड क्लीन था, और सारी फैसिलिटी जो होती है बेसिक वाली फैसिलिटी वो सारी कुछ इसमें दी हुई थी। इसी के साथ साथ ये रहा रूम, और यहाँ पे रूम में काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। अगर आप देखोगे दोनों साइड पे बढ़िया सी लाइटिंग दी हुई है। रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, एकदम ज़्यादा स्पेशियस नहीं है बट बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ टीवी दी हुई है छोटी सी। अगर अब मैं इस रूम के कॉस्ट की बात करूँ तो ये अराउंड 4,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से था, और थ्री डेज के लिए मतलब थ्री नाइट्स फोर डेज के लिए इट कॉस्ट मी अराउंड 17,000 रुपीज़ विच वॉज रियली इन बजट। सो ये रही यहाँ की वार्डरोब, और आप देख सकते हो वार्डरोब भी काफ़ी स्पेशियस थी, लॉन्ड्री के आइटम्स यहाँ पे दिए हुए थे और एक्स्ट्रा पिलो भी रखा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे ये लैम्प मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा गाइस। यहाँ पे एक पूरा स्टडी टेबल दिया हुआ था जहाँ पे बैठ के अगर आप काम करना है आपको, आप काम कर सकते हो, आपको कुछ और भी अगर अपना एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, इफ़ यू डू एनीथिंग यू वांट टू डू, स्टडी करना है, कुछ भी करना है, एक बड़ा सा स्टडी टेबल दिया गया था एंड इट वॉज़ रियली नाइस। और साथ ही साथ ये एमिनिटीज रखी गई थी, कप और जो बेसिक चीज़ें होती है, दो पानी की बॉटल और ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो रखी हुई थी। सो ओवरऑल जो है 4,000 के बजट में रूम काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था। इसका जो होटल है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल है, और अगर आप हैदराबाद में ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आपको एक्सप्लोर करनी है सिटी और आप एक बजट होटल देख रहे हो, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी बेस्ट। नीचे बुफे है जो कि 999+ टैक्सेस में आपको मिल जाएगा अगर आपको डिनर या लंच एंजॉय करना है। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट बुफे भी है यहाँ पे, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि ब्रेकफास्ट बुफे यहाँ पे कैसा है और कॉस्ट क्या है इसके ब्रेकफास्ट बुफे की। और साथ ही साथ जो है खाना तो अच्छा है ही है, चीज़ें भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है, होटल भी अच्छा है, रूम्स भी आप देख रहे हो काफी नीट एंड क्लीन है, स्पेशियस है। यहाँ पे स्टडी टेबल दिया हुआ है, एक अच्छा सा वार्डरोब दिया हुआ है अपने कपड़ों के लिए, बेड इज नाइस। तो ओवरऑल जो है जो आप रूम देख रहे हो वो काफी अच्छा है आपके बजट के हिसाब से। सो आगे मैं आपको कल मैं इसमें कवर करने वाली हूँ कि आगे बुफे कैसा है एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ब्लॉग। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो गाइस हम है डे टू पे, और ये आप देख सकते हो ये रहा बाहर का सिटिंग एरिया जो बहुत ही बढ़िया है, स्पेशियस है काफी, साथ ही साथ बहुत ही कलरफुल सिटिंग एरिया है, ग्रीनरी है, और आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा यहाँ पे बैठ के एक कप ऑफ कॉफी पीने के लिए या चाय पीने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपना टाइम आराम से स्पेंड कर सकते हो, काफी बढ़िया है, रात में भी आप डिनर यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट बुफे पे। सो ब्रेकफास्ट बुफे जो था वो हमारे स्टे के साथ इंक्लूड ही था, और अगर आपको अलग से लेना है तो उसकी कॉस्ट है अराउंड 600 रुपीज। सो ब्रेकफास्ट बुफे के लिए बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे रखे हुए थे, आप देख सकते हो हमने स्टार्ट किया योगर्ट से, तो यहाँ पे फ्लेवर्ड योगर्ट एंड मूसली रखी हुई थी,
और बहुत सारे आइटम्स और आगे हम देखेंगे क्या क्या था, बिकॉज इट इज साउथ इंडियन जो बुफे होता है उसमें इडली और वड़ा और डोसा खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये रहा पूरा फ्रूट का सेक्शन, सैलेड का सेक्शन। सो एंटायर सेक्शन जो है वो सैलेड्स, डिफरेंट तरह के सैलेड्स आप बना सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे प्लम केक रखा हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए थे और एक सैंडविच रखा हुआ था। अब आ जाते हैं साउथ इंडियन के ब्रेकफास्ट पे, तो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था उत्तपम, साथ ही साथ मेरा फेवरेट मेंदू वड़ा, और यहाँ पे था सांभर। सांभर देखने में काफी टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे इडली पोड़ी की उन्होंने रखा हुआ था घी और कुछ पोड़ी का मसाला। और ये रही गर्मा गर्म इडली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड आई एम रियली इन लव विद इडली। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसे किसे इडली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भैया जो है वो आप देख सकते हो कि शेफ जो है वो गर्मा गर्म पूरी निकाल रहे थे। सो यहाँ पे था आगे सेव उपमा, मसाला मैगी, और यहाँ पे थी गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी, और साथ ही साथ गर्मा गर्म पूरी। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है उन्होंने रखी थी। बॉइल्ड एग थे, लाइव डोसा काउंटर भी था, अगर आपको लाइव डोसा अगर देना है तो आप लाइव डोसा के लिए भी बोल सकते थे। पराठा काउंटर था, तो जो भी आपको खाना है, आप ऑमलेट काउंटर था, जो भी आपको खाना है वो आप यहाँ पे बोल सकते थे, हम लाइव वो बनाकर दे रहे थे। ये रही गर्मा गर्म पूरिया जो देखने में तो मुझे बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। आगे खाकर भी बताएंगे कि ब्रेकफास्ट कैसा था, टेस्ट में भी कैसा था। सो डू वॉच द ब्लॉग टिल एंड गाइस, और थर्ड डे में भी क्या था ब्रेकफास्ट में वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। ये एंटायर सेक्शन जो है वो काफी ह्यूज था, और हमने लिया ये सब खाने के लिए। मैंने ली है इडली, कुछ सैंडविच लिया है मैंने, थोड़ा सा सांभर लिया है, और मेरा फेवरेट वड़ा लिया है, और प्लस ये कटिंग चाय ली है जिसके बिना नाश्ता अधूरा है मेरा। Good morning, beautiful people. So we are having a breakfast at IVIS Hotel. और यहाँ का breakfast really बहुत अच्छा है। मैंने expect नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, but काफ़ी अच्छा है। Varieties काफ़ी सारी है। इडली दिख जाएगी, उत्तपम दिख जाएगा, रागी उत्तपम है ये, और बहुत सारी varieties है। So I'm gonna dig in it. सो आइए अब टेस्ट की बात करते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा था। इडली जो थी वो काफी सॉफ्ट थी गाइस, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। आप देख सकते हो एक ही बाइट में टूट गई, और सांभर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। यहाँ पे लिया है मैंने ये छोटा सा डोसा, और ये इतना बहुत छोटू सा डोसा आया है विथ कोकोनट चटनी। पूरी ली है मैंने, आलू मटर की सब्जी ली है, एंड टमाटो राइस ली है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में टमाटो राइस था, तो मैंने वो भी लिया है टेस्ट करने के लिए, और बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है इसका। लेट्स ट्राई विद योर पूरी एंड भाजी। वेरी नाइस इट इज। आलू मटर की सब्जी पूरी एक बहुत अच्छा फ्लेवर है। ऑल टुगेदर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ऑल दैट बैड, लेट मी ट्राई द टमाटो राइस। मैंने ब्रेकफास्ट में फर्स्ट टाइम टमाटो राइस कभी खाया है। सो दे पुट टमाटो राइस इन ब्रेकफास्ट हियर, सो आई एम गोना ट्राई इट। वेरी नाइस इट इज। बहुत सारे यहाँ पे टमाटोज डाले हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो पीनट्स होते हैं वो डाले हुए हैं। एंड टमाटो राइस जो है मे बी हैदराबाद में खाया जाता होगा, बट वी डोंट ईट इन मुंबई, अहमदाबाद और समवेयर इन द ब्रेकफास्ट बुफे। सो आई एम हैविंग दिस फर्स्ट टाइम, बट इट इज़ नाइस टू हैव इट। एंड दे हैव गिवन मी दिस छोटू सा डोसा। कितना छोटा सा डोसा है, बट इट्स लुकिंग रियली नाइस, एंड आई एम श्योर काफ़ी क्रंची होगा। आई कैन जस्ट फिलेट फ्रॉम हियर, काफ़ी क्रंची लग रहा है। दिस कोकोनट चटनी, आई एम इन लव विद इट। सो ऑल द डोसा लवर्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डोसा पसंद है या इडली, बट आई एम इन लव विद दिस डोसा एंड दिस कोकोनट चटनी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था गाइस इस कोकोनट चटनी का।
और यहाँ पे आके साउथ इंडियन खाना खाना बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। इडली बहुत बढ़िया थी, डोसा बहुत बढ़िया था, एंड यस यू कैन ट्राई द टोमेटो राइस जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है और बहुत ही बढ़िया थी। अब आ जाते हैं डे 3 के ब्रेकफास्ट पे। सो यहाँ पे इन्होंने कैबेज की चटनी रखी हुई थी, साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने कोकोनट चटनी रखी हुई थी, और ये था ब्रेड पकौड़ा। सो सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा यहाँ पे रखा हुआ था, वड़ा रखा हुआ था, और ये था बहुत ही मस्त सा रागी उपमा जो मैंने ट्राई किया, और सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी था। मूंग दाल की खिचड़ी रखी हुई थी, और साथ ही साथ सेम सेटअप पे इडली रखी हुई थी। यहाँ पे थी मसाला मैगी, साथ ही साथ चने और आलू की सब्जी थी, और यहाँ पे इन्होंने ये पूरी रखी हुई थी, सॉल्टेड कॉर्न रखा हुआ था। सो आज भी वैरायटीज काफी सारी थी, सॉसेजेस थे आज भी गाइस, नाश्ते के लिए वैरायटीज काफी सारी थी। सो ये रहा अगेन पूरा सैलेड काउंटर, और इसी के साथ साथ इन्होंने रखा हुआ था बीट रूट का जो है वो सैंडविच। सो ये सैंडविच भी काफी कलरफुल लग रहा था और मुझे बढ़िया लगा इनका सैंडविच। सो ओवरऑल जो है फ्रूट्स का सेक्शन अलग था, ये आप देख सकते हो, सैलड्स का सेक्शन अलग था, और सैलड के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने फ्रूट्स भी रखे हुए थे काफी सारे। आप देख सकते हो ये पाइनएप्पल एंड क्यूकम्बर का सैलड है गाइस, साथ ही मेरा फेवरेट फ्रूट केक है, और ये रहा मेरा फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन। सो काफी सारे फ्रूट्स रखे हुए थे, योगर्ट रखा हुआ था, और इस बार मैंने ट्राई की ये इडली जो कि काइंड ऑफ मसाला इडली के साथ, मैंने यहाँ पे जो मसाला रखा था उसी को घी में डाल के ट्राई किया। ये इडली को एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और मुझे सीरियसली गाइस बहुत टेस्टी लगी। सो ओवरऑल जो स्टे था वो काफी बढ़िया है होटल का, और अगर आप हैदराबाद में प्लान कर रहे हो आने का देन दिस इज अ बजट स्टेकेशन, गो फॉर इट, नाइस इट इज। और दैट्स इट गाइस, वी आर ऑल फिनिश्ड विद आवर व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।